नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का रिपब्लिक इंडिया के इस चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से हम आप तक दुनिया भर के अजीब गरीब समाचार पहुंचाते हैं निष्पक्ष के साथ में। दोस्तों कल सोमवार की बात है, पटना के प्लेटफार्म नंबर 10 पे जहां टीवी में जिस पे एड दिखाए जाते हैं या फिर जिन पे गाड़ियों की जानकारी दी जाती है, उन LED टीवियों पे अश्लील वीडियो चलने लगे। और दोस्तों ये अश्लील वीडियो तकरीबन 3.5 मिनट तक चलते हैं, जिनके बारे में जब जानकारी दी जाती है अधिकारियों को तो दोस्तों इनको बंद करवाया जाता है। दोस्तों ECR के जो चीफ है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि कलकत्ता की मेसर्स दत्ता स्टूडियो नाम की जो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था LED टीवियों पे एड चलाने के या फिर गाड़ियों के बारे में जानकारी देने के, उस कंपनी के द्वारा की गई गलतियों की वजह से ही ये सब हो रहा है। और दोस्तों RPF और GRP के द्वारा उस कंपनी पे 2 एक्ट के तहत रेलवे के द्वारा धाराएं लगा दी गई है। अब उसके बाद दोस्तों इसकी जो जवाबदेही है उस कंपनी के ऊपर है। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हुआ है कि कैसे हुआ, मतलब कैसे इन वीडियो को प्रसारित किया गया, किसकी गलतियों के वजह से हुई, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सारी मेसर दत्ता स्टूडियो पे जाती है। और दोस्तों अब इसके आगे क्या होता है, अब आगे वीडियो में पता चलेगा, इसके बारे में अभी खोजबीन जांच चल रही है। और दोस्तों ये सारी जो जानकारी है ये खुद वहाँ के ECR के चीफ वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।